नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। तीन चरणों का चुनाव हो चुका है और चौथे दौर की तैयारी है। ऐसे में अब कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन सब तरह बीजेपी को चोट पहुंचेगी और आधे चुनाव के बीच बीजेपी 272 के नीचे खिसक गई है। मतलब साफ है कि 400 की बात करने वाले मोदी को अब बहुमत जुटाने के लिए लाले पड़ते दिख रहे हैं। चलिए बताते हैं किस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं मोदी शाह की इस रिपोर्ट में। एक ऐसे वक्त में जब हवा का रुख साफ साफ बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है और जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी वो नेता है जो विपक्ष को अपनी पिच पर लाकर खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन 2002 के बाद पहली बार ये हो रहा है कि इतने सालों बाद नरेंद्र मोदी 2024 में विपक्ष के बनाए पिच पर खेलने उतर गए हैं और इसी को बीजेपी की हार इस वक्त मानी जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ही सुन लीजिए। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्यों कह रहे हैं। इस पर राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे में नहले पर दहला कह ले या मौके पर चौका वाली बात, राहुल गांधी ने लपकते हुए क्या कुछ कह दिया है वो भी सुनिए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBI ED को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो आपने सुना राहुल ने क्या कुछ कहा। बस इसी से कहा जा रहा है कि बीजेपी की राह कठिन हो गई है और तीन फेज में जो आधी लोकसभा की सीटें खत्म हो गई हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को 272 सीटें लाना भी मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि पहले दो चरणों के चुनाव में NDA 5 साल पहले जीती गई अपनी 113 सीटों में से 20 सीटें हार चुकी है और ये भी संभावना है कि तीसरे चरण के चुनाव में भी NDA को लगभग 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। और अगर 4 जून को ये बात सही हुई तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी और नई लोकसभा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे खिसक जाएगी। बीजेपी और उसके साथी दलों को तीसरे चरण के चुनाव में अपनी अजेय बढ़त को बनाए रखने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अफसोस बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। तो चलिए अब इसको एक नए उदाहरण से आपको समझाते हैं। तीसरे फेज में यूपी में 10 सीटों पर चुनाव हुए और पत्रकारों और जमीन पर काम करने वाले साफ तौर से कह रहे हैं कि तीसरे फेज में समाजवादी पार्टी 4 सीटें अपनी बचा लेगी। मतलब ये कि इस फेज में यूपी में 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन साफ तौर पर 4 सीटें कम हो रही हैं। जो सीटें कम हो रही हैं वो हैं बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी, जिनको 400 पार ले जाने की खुमारी चढ़ी थी, अब वो दूर की कौड़ी लगने लगा है। लेकिन 272 आ जाए ये भी बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए अब दूसरे फेज की बात कर लेते हैं। जानकारों की माने तो तीसरे फेज की तरह दूसरे फेज में भी भारी भरकम सीटें हैं और बीजेपी को अगर 93 सीटों में से अपनी सरकार बनानी है तो कम से कम 80 सीटों पर चुनाव जीतना होगा और ये संभव नहीं दिख रहा है। इसको कोई भी कह सकता है कि 2019 का रिकॉर्ड बीजेपी को दोहराने के लिए ना को चने चबाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है और मोदी का मुद्दा राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने राह से भटक गई है और अब विपक्ष की बातें कह रही है। ऐसे में विपक्ष दूसरे चरण में भी दमदार है और अगर 10 सीटें भी कम हो गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है। इसके साथ ही साथ पहले चरण में केरल और तमिलनाडु में बीजेपी कुछ नहीं मिल रहा और सोने पे सुहागा ये है कि कर्नाटक में जो 2019 में बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती थी, इस बार 2024 में 10 सीटें जीतने के लाले पड़ रहे हैं। और अगर ये सही हुआ तो तीन चरण में बीजेपी और मोदी की हालत पस्त है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी को 272 के लाले पड़ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ भी फिलहाल नहीं कहा है, राजनीतिक विश्लेषकों ने जो कुछ बताया है उन्हीं स्थितियों को हमने आप तक पहुंचा दिया है।
और अब देखना होगा कि 4 जून को क्या कुछ नतीजे आते हैं। बहरहाल जिस तरीके से 2019 में बीजेपी ने सीटें जीती थी, ऐसा लग रहा है कि अब उतनी सीटें बीजेपी नहीं ला पाएगी। ऐसे में इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, मेरा कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।